हरियाणा में विधानसभा चुनाव केरल का आगाज हो चुका है। इसे लेकर सभी पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, जिससे वो इस चुनावी धार को और भी तेज कर सकें। अपने इस धार को तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने दो बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया। लोहारू और फरीदाबाद में मेगा रैली के जरिए अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की अपील जनता से की है, जिसमें कई बीजेपी के नेता और प्रत्याशी भी मौजूद थे। लोहारू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर कई आरोप लगाए। अभी अभी ये राहुल बाबा ने अमेरिका में बयान दिया है कि हम कुछ समय विकास होने के बाद आरक्षण को हटा देंगे। राहुल बाबा अपने कश्मीर में भी ये कहा है कि कश्मीर में हमने एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण दिया है इसको वो हटा देने वाले हैं, मगर आप चिंता मत करो लोहारू वालों, मैं कहकर जाता हूं राहुल बाबा क्या कोई भी आ जाए जब तक भाजपा है आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे, छूने नहीं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया और अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। एक योजना लेकर आए हैं अग्निवीर की एक कांग्रेस वाले और विशेषकर राहुल बाबा राजनीति कर रहे हैं। मैंने सैनी जी को कहा कि सैनी जी अग्निवीरों का अफवाह फैला रहे हैं। भारत सरकार के गृह विभाग ने देश भर की पुलिस ने 20% रिजर्वेशन दिया है, सबको पेंशन वाली नौकरी मिलने वाली है, मगर आप क्या करोगे? उन्होंने कहा हरियाणा के जितने भी अग्निवीर है वो सभी को मैं हरियाणा सरकार में नौकरी दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा। मैं आज हरियाणा के युवाओं को कहकर जाता हूं, ये हुड्डा एंड कंपनी जिनका गांव झूठ बेलाना है वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं और मोदी जी जो इशारा करते हैं वो भी हो जाता है। इसके बाद अमित शाह फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल के पक्ष में वोट की अपील की और कांग्रेस पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद थे, जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र किया और जनता के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ का सहारा लेकर के भाइयों लोगों का बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं, उनका नकाब उतर चुका है। और ये बोलते हैं कि घोषणाएं हो रही हैं, ये घोषणाएं नहीं। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये डबल इंजन की सरकार अगर कुछ बोलती है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हरियाणा प्रदेश ने अब ये तय कर दिया है कि जब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तीसरी बार हरियाणा हर चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाइयों तत्पर है। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बाकी है, इसे लेकर बीजेपी ताबड़तोड़ रैली कर रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी पानीपत हिसार सहित कई इलाकों में रैली में शिरकत करते नजर आए, वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी काफी एक्टिव दिखाई दिए। कांग्रेस या अन्य दलों की बात करें तो वो भी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसके बातों पर विश्वास करके अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। लोहारू से इंद्रवेश दुहन और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।